उधर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें सामने आ गई, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 17 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन के बीच महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा हो ही नहीं पाया था। उद्धव ठाकरे ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे उनमें कुछ सीटों पर शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। मतलब जिन लोकसभा सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट ने अपनी दावेदारी ठोक दी उन सीटों पर कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी की नजरें थी। शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पर संजय दिना पाटिल के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि शरद पवार गुट इस सीट पर अपनी दावेदारी में लगा था। शरद पवार की पार्टी मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में एक सीट की मांग कर रही थी, जबकि शिवसेना उद्धव गुट ने 6 में 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उद्धव ठाकरे ने 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी, लेकिन उद्धव गुट की तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद विपक्षी गठबंधन में खटपट की खबरें आने लगी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन में शामिल शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के फैसले से नाराज बताए गए और उनकी पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार के कार्यकर्ताओं ने तो मुंबई में प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे पर मनमाने तरीके से उम्मीदवारों के ऐलान का आरोप लगा दिया और सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने तो अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारों के ऐलान पर नाराजगी जाहिर की और गुस्से में तो उन्होंने कांग्रेस आला कमान से शिवसेना यूबीटी गुट के साथ गठबंधन तोड़ने की अपील कर दी। कांग्रेस को बचाना है तो ही ऑप्शन है, एक तो हम अलायंस तोड़ दें और दूसरा नहीं तो फ्रेंडली फाइट करें। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को दबाने का प्लान बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से कांग्रेस को बाहर कर देना चाहते हैं। मतलब सीटों के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की गाड़ी चुनावों से ठीक पहले पटरी से उतरती नजर आ रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का दावा है कि विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद है ही नहीं। अगर कोई विवाद होगा भी वो संवाद के माध्यम से खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ चुनावी जंग के लिए कांग्रेस शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने कुछ और छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनके बीच सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी थी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान करके महाराष्ट्र की सियासत में हलचल बढ़ा दी, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के इन 17 उम्मीदवारों में उन सीटों के उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर चुकी थी। महाराष्ट्र की सांगली, भिवंडी, मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव गुट के उम्मीदवार उतारे जाने से विवाद बढ़ गया और महाविकास अघाड़ी के टूटने की अटकलें शुरू हो गई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके थे। उन्हें उम्मीद थी कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से वो इस सीट के उम्मीदवार बनेंगे। इस सीट पर उत्तर भारतीय वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, मतलब यहाँ उत्तर भारतीय वोटर इतने हैं कि उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतार दिया। इस पर संजय निरुपम बुरी तरह भड़क गए। खिचड़ी चोर को शिवसेना जबरदस्ती उम्मीदवार बना रही है, उससे कांग्रेस के लोगों का मन बहुत आहत है, मैं भी नाराज हूँ। अमोल कीर्तिकर के खिलाफ ईडी ने समन्स जारी किए थे। उन पर कोविड के दौरान मुंबई में गरीबों को बांटी जाने वाली खिचड़ी में घोटाले का आरोप लगा था। मुंबई उत्तर पश्चिम के अलावा महाराष्ट्र की सांगली और भिवंडी लोकसभा सीट को लेकर भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट में विवाद बढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए थे, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद बात बिगड़ गई। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इन दोनों सीटों पर फिर से विचार करने की अपील की, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ही नहीं प्रकाश आंबेडकर ने भी महाविकास अघाड़ी को झटका दे दिया। उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात नहीं बनने पर प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से अपनी राहें अलग कर ली। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रकाश आंबेडकर ने 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधली असणारी डिफरेंसेस आहेत। प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और 2024 में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीटों पर बात नहीं बन सकी और वो अलग हो गए। हालांकि शरद पवार गुट ने प्रकाश आंबेडकर से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। आंबेडकर साहब, तुम्हें आंबेडकरी विचारांचे पुरस्कर्ते आहात, तुमचा रक्ताचं नातं आहे, आमचं विचारांचं नातं आहे, रक्त आणि विचार एकत्र आले
तो आपण कोणालाही थुंकू शकतो। महाविकास आघाड़ी से अलग होने के बाद भी प्रकाश अंबेडकर ने नागपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया, जबकि सांगली सीट पर उन्होंने ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। और महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर प्रकाश अंबेडकर ने खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, यानी एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में जुटी महाविकास आघाड़ी चुनाव से ठीक पहले ही बिखर गई।